लोकसभा चुनाव के लिए रायपुर लोकसभा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल को जीत दिलाने के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव धरसीवां के ग्राम कपसदा पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विशाल सभा में कमल खिलाने की अपील की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है, कांग्रेस जनता की विश्वसनीयता खो चुकी है। इस अवसर पर धरसीवां विधायक के मार्गदर्शन में दर्जन भर सरपंच और 200 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। निश्चित रूप से ये पूरा होने वाला है। छत्तीसगढ़ में मिशन 11 में निकले हैं, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। हमारा एक एक कार्यकर्ता इस तैयारी में जुटा हुआ है और जो जनता का उत्साह और सहयोग मार्गदर्शन जनता का मिल रहा है वो स्पष्ट करता है कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है और कांग्रेस पार्टी शून्य पे आउट होने वाली है। मोदी की गारंटी, जैसे हमने छत्तीसगढ़ में बड़े बड़ी गारंटियों को पूरा किया है और इसलिए मोदी की गारंटी पर देश और प्रदेश की जनता को भरोसा है और वो भरोसा करके आज देश और प्रदेश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। सर एक प्रश्न, सर कांग्रेस की भारी मात्रा में जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? कांग्रेस अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है, कांग्रेस खत्म होने वाली है। कांग्रेस के पास न नेता है, न नियत है, न काम है और इसलिए कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं तो कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है।